दो देशों के बीच चल रही ये जंग दिन ब दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जंग के मैदान से चौंकाने वाली खबरें भी सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि जो रूस लगातार यूक्रेन को धूल चटाने पर आमादा था, अब उसी यूक्रेन की सेना रूस को झटके पर झटके दे रही है। दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद रूसी सैनिकों के लिए खतरे का अलार्म बजना शुरू हो चुका है। कैसे रूस पर भारी पड़ा यूक्रेन? जंग के मैदान में कैसे पलटा पासा? रूस के एयर डिफेंस पर यूक्रेन का कब्जा? खार्किव में फेल पुतिन का दांव? युद्ध के मैदान में पुतिन की सेना जिस यूक्रेन को बेहद कमजोर आंक रही थी, उसके सैनिकों ने अब ऐसा दांव चलना शुरू कर दिया है जिसने पुतिन की सेना को खार्किव जैसे इलाके में घुटनों के बल ला दिया है। इसी कड़ी में यूक्रेन की सेना ने अब जो दावा किया है वो किसी को भी चौंका सकता है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने खार्किव में रूस के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम उसके हाथ आने से रूस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम रूसी सेना को हवाई हमलों से अलर्ट कर देता था और यूक्रेन की सेना को करारा जवाब देता था, अब उसी एयर डिफेंस सिस्टम की कमांड यूक्रेन की सेना के हाथों में आ गई है। इसी के साथ आसमान से होने वाले हमलों को रोक पाने की रूस की ताकत में कमी आ गई है, क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 3 बर्नाउ टी एयर डिफेंस सिस्टम अपने कब्जे में लेने का दावा किया है, जिनमें पहला 3 मार्च को कीव में, दूसरा 12 मार्च को और तीसरा 27 मार्च को खार्किव में यूक्रेन की सेना के कब्जे में आ चुका है। बताया जा रहा है कि ये रूसी सेना के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के हाथ लगे रूस के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का फायदा पश्चिमी देश भी उठा सकते हैं और उसके जैसा ही एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर भविष्य में रूस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वहीं यूक्रेन ने सिर्फ बर्नाउ टी ही नहीं बल्कि रूस के T-72B टैंक, हॉविट्ज़र तोप समेत कई और आधुनिक हथियारों पर कब्जे का दावा किया है। यानी अभी तक रूस की सेना यूक्रेन पर जो दांव चल रही थी, अब वैसा ही दांव ज़ेलेंस्की की सेना भी चलने लगी है। नुकसान का दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के 18,500 सैनिक मारने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही 676 टैंक तबाह करने का दावा यूक्रेन कर रहा है। 134 ऐसे हेलीकॉप्टर है जिसे तबाह किए जा चुके हैं। अब तक 40 दिन बीत चुके हैं। 1,858 बख्तरबंद गाड़ियों को नेस्तनाबूद कर चुका है यूक्रेन। रूस को लेकर किस तरीके से नुकसान पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसको लेकर बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से। 676 टैंक तबाह किए जा चुके हैं अब तक। इसके साथ ही 134 हेलीकॉप्टर्स को हमने तबाह कर दिया है। ये यूक्रेन बड़े दावे कर रहा है। 40 दिन बीत चुके हैं इस महायुद्ध को। दोनों देशों की सेना पुरजोर तरीके से एक दूसरे पर हमले करते हुए रिहायशी इलाकों के साथ साथ आम लोगों की जान जा रही है। आंकड़े लगातार दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ना रूस झुकने को तैयार है और ना ही ज़ेलेंस्की मानने को तैयार है। और ऐसे में ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर रूस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आप देखिए, वार्ता भी हुई जो कि बेअसर हर बार साबित होती हुई।